सजनों ते बेलियों मित्रों ते सेलियों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अस्मा अब्बास है। कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत सेंसिटिव मैटर पे बात करने लगी हूँ। मैं वैसे कभी वीडियोस नहीं बनाती किसी भी इशू पे, खामोश रहती हूँ। किसी कंट्रोवर्सी से मेरी बड़ी जान जाती है, क्योंकि एक बात करो तो हज़ार बातें शुरू हो जाती हैं, फिर ये कह दिया वो कह दिया, इससे मैं अमूमन खामोश रहती हूँ। लेकिन एक बात से मैं ना कल से बहुत कुड़ रही हूँ और सड़ रही हूँ। वो बात यह है कि हमारी प्यारी शगुफ्ता एजाज के हस्बैंड यहिया साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत तकलीफ़ और दुख की बात है। हम पर्सनली शगुफ्ता को जानते हैं, मेरी दोस्त हैं बहुत प्यारी, उनकी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड सबको जानते हैं। और दुख की बात है, शदीद दुख की बात है। लेकिन मैंने यूट्यूब खोला कल और मैंने देखा कि एक कयामत आई हुई है। मतलब कि आप लोगों को कोई शर्म नहीं है, कोई ख्याल नहीं है अपने व्यूज़ के लिए। आप लोगों को मौका मिल गया वीलॉग बनाने का कि हम बना लें फटाफट और हम बता दें कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जितनी हमें है उतनी किसी को नहीं है। शगुफ्ता की ज़िंदगी, शगुफ्ता के बच्चे, शगुफ्ता के मियाँ की जायदाद, शगुफ्ता के मियाँ के पहले बच्चे, उनकी लड़ाई, उनका झगड़ा, उनके बंटवारे, उनके अल्लाह जाने आपने क्या क्या निकाल लिया। कोई खुदा का खौफ करें, कोई शर्म करें, सबके प्यारों ने जाना है। हम अगर सेलिब्रिटीज़ हैं और हमारे बारे में दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें उछाल के रख दें, हमारी ज़िंदगियों को खंगाल के रख दें। बहुत ही बुरी बात है ये, बहुत ही गलत और घटिया स्ट्रेटजी है अपने व्यूज़ बढ़ाने की। लिहाजा मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुई है। हर कोई बैठा हुआ है, ये हो गया वो हो गया, मैं आपको बताता हूँ उनकी स्टोरी, मैं आपको बताता हूँ उनकी कहानी, मुझे ज़्यादा पता है। दिस इज़ वेरी बैड। शर्म करें आप लोग और बंद करें ये फजूल हरकत। और खुदा उनको सबर दे, उनके दुख में कोई उनका दुख बांट नहीं सकता, तो कम से कम उनको तकलीफ ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया।